नमस्कार दोस्तों, वेब सीक्रेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक बहुत ही शानदार केस लेके आया हूँ। ये देखिए, एक बफेलो है और इसको जो है डिस्ट्रोकिया और टॉर्सन है, और किस तरह से इसको हैंडल किया गया है, किस तरह से मैनेज किया गया है, ये सारा आप वीडियो में देखिए। इसका बच्चा निकल पाया या नहीं, इसके लिए आप बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करा करें, इससे आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो छूट जाती है। सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये जो चैनल है वो ओनली रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर के लिए है। कोई भी स्वयं से ये इलाज करने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों, ये जो भैंस है इसका टाइम पूरा हो चुका था और पूरे 10 महीने हो चुके थे, लेकिन ये ब्याह नहीं रही थी। तो जाके चेक किया तो इसमें हल्का सा टॉर्सन था और बच्चा मर चुका था, और बच्चा काफ़ी ज़्यादा फूल चुका था। जो इन्फाइसीमेटस स्वेलिंग रहती है वो आ चुकी थी इसमें, और लगभग डबल आकार का इसका जो बच्चा हो चुका था, और ये बिल्कुल भी पेन नहीं ले रही थी। तो फिर इसका टॉर्सन खोला गया। सबसे पहले इसको खोल के इसको बच्चा निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जो आपको दिख रहा है। देखिए, हमारे ज़िले के वरिष्ठ डॉक्टर थापक सर और मैं और हमारे साथी कुछ कर्मचारी हैं, उनके द्वारा ये बच्चा निकाला गया। बहुत ही क्रिटिकल केस था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, लगभग इसमें 3 घंटे लगे, 2.5 से 3 घंटे में ये बच्चा निकाला गया, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, काफ़ी साइज बढ़ गया था, तो बच्चा निकलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद हम लोगों ने इसको बच्चे को निकाला सही सलामत। भैंस है अभी प्रेजेंट में, लेकिन बच्चा मर चुका था। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है बच्चे को खींचा जा रहा है, और बच्चा कितना ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है उसमें, बच्चा फूल चुका है। लगभग 3-4 दिन पहले जहाँ तक है इसका बच्चा मर गया था, क्योंकि स्किन निकलने लग गई थी इसकी, उसमें सड़न होने लग गई थी, और काफ़ी प्रयास के बाद इसके बच्चे को निकाला गया, और अभी भैंस ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या इलाज होता है उसका। और दोस्तों, टॉर्सन ये देखिए कितना ज़्यादा साइज इसका बढ़ चुका है स्वेलिंग के कारण, बच्चा जो बहुत ज़्यादा फूल गया है, इसीलिए बच्चा निकलने में बहुत सारी दिक्कतें आईं। काफ़ी प्रयास के बाद हमने ये बच्चा निकाला। सबसे पहले हमने इसमें टॉर्सन खोला, इसमें माइल्ड टॉर्सन था 90 डिग्री का, तो एक पलटा लगाया गया। उसके बाद राइट साइड का टॉर्सन था इसमें, राइट साइड पलटा देने के बाद फिर इसको चेक किया गया, तो इसका ओपन हो चुकी थी बच्चेदानी का मुंह, उसमें हाथ जा रहा था। फिर हमने काफ़ी प्रयास के बाद हम सफल हुए, और आखिरकार हम लोगों ने बच्चे को निकाल दिया, लेकिन बच्चा मरा हुआ निकला, क्यों बच्चे 3-4 दिन पहले ख़त्म हो चुका था, इसी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी। एडिमेटर स्वेलिंग जो होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ऐसी कंडीशन में बड़ी मुश्किल से बच्चा निकलता है। अदरवाइज अगर बच्चा नहीं निकलता है तो फिर एक ही जरिया होता है, इसको ऑपरेट करके बच्चा निकालना पड़ता है। और इसमें पहले ये देखिए, ये इसमें कट भी लगाए गए हैं काफ़ी सारे, जिससे इसकी जो है एयर निकल जाए, थोड़ा स्वेलिंग कम हो जाए, जिससे बच्चा निकलने में आसानी हो। और पहले इसको एपिडोसिन के इंजेक्शन दिए गए, और साथ में ट्रगमा लगाया गया। उसके बाद इसके बच्चेदानी का मुंह खुला। फिर अगले दिन जाके चेक किया तो हल्का सा टॉर्सन था, टॉर्सन को करेक्ट करके फिर इसको बच्चे को निकाला गया, क्योंकि बच्चा मर चुका है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर बच्चा नहीं निकालेंगे तो भैंस भी मर जाएगी 100%, तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भैंस ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और हमारी पूरी टीम ने काफ़ी प्रयास किया,
और हमारे डॉक्टर थपक सर ने काफ़ी मेहनत की इसमें और हमने काफ़ी प्रयास के बाद बच्चा निकाल दिया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।